जसमीत बचपन से ही बहुत शरारती लड़की थी। पूरा गांव उसकी शरारत से परेशान रहता था। उसे लड़कों की तरह कपड़े पहनना, बोलचाल रखना और गुंडागर्दी बेहद पसंद था। जसमीत के बापू बहुत ही सख्त थे और उन्हें लड़कियों का यूं बर्ताव करना पसंद नहीं था। आज मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। तेरे कहने पे मैंने इतना सर चढ़ा रखा है। हमारे गांव में कोई 8वीं से ज्यादा अपनी बेटी को पढ़ाता नहीं है। ओ जी ठंड पावा, हमारी जसमीत बहुत ही होशियार है। घर का एक काम काज नहीं आता उसको, कौन ब्याह करेगा इसी लड़की से। आ जाने दो उसे, उसे कमरे में बंद कर दूंगा। अब तो यहाँ से उसकी डोली ही जाएगी। अरे उसकी उम्र ही क्या है अभी, अभी तो वो 12वीं की परीक्षा दे रही है। तभी जसमीत जीन्स पैंट पहने, मुंह में च्युइंगम चबाते, उंगलियों में चाबी घुमाते और सीटी बजाती हुई कमरे के अंदर आती है। क्या पापा जी, आजकल जमाना बदल गया है और आप वही 19वीं सदी में अटके हुए हैं। ये अभी एक मारूंगा ना तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। बापू आप मुझे पढ़ने नहीं देंगे तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी। हाँ ये देखो, ये कोई तरीका है अपने बाप से बात करने का? जसमीत चुपचाप से अपने कमरे में जाओ। और फिर जसमीत अपने कमरे में चली जाती है। उसकी माँ उसे हमेशा की तरह समझाती है लेकिन वो एक नहीं सुनती। बेटा तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा, मैं कब तक तुम्हारे बापू को समझाती रहूंगी? हमारे गांव में आज तक लड़की ने कभी 12वीं तक पढ़ाई नहीं की है। माँ मुझे पढ़ाई करनी है, मैं आगे पढ़ लिख कर अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती हूँ। थोड़ा घर का काम भी सीख लो, वरना तेरे बापू रोज मुझे सुनाते हैं कि मैं तुम्हें बिगाड़ रही हूँ। ओ मेरी प्यारी माँ, जैसे आज तक मुझे बचाती आई है, आगे भी मुझे बचा लेना प्लीज। अब तू बड़ी हो गई है ना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सच में तुझसे कोई ब्याह नहीं करेगा। माँ आपका सपना था ना कि आप पढ़ लिख कर पुलिस में नौकरी करो और अपने गांव का नाम रोशन करो, तेरा ये सपना मैं पूरा करूंगी। जसमीत पूरा मन लगाकर पढ़ाई में जुट जाती है लेकिन उसके बापू उसके लिए शादी का रिश्ता खोजने लगते हैं। कुछ ही दिन में जसमीत के बापू उसकी शादी पास ही के गांव के एक लड़के के साथ तय कर देते हैं। आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। परमजीत इसे अच्छे से साड़ी पहनाकर तैयार कर दो। लेकिन बाबूजी मुझे शादी नहीं करनी है, मैं पढ़ लिख कर इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ। पूरा गांव मुझ पर हंसता है, तेरी उम्र की लड़कियों के बच्चे भी स्कूल जाने लगे। जसमीत रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। परमजीत जसमीत को समझाते हुए कहती है, बेटा अपने बाबूजी का कहना मान ले, अभी से शादी थोड़ी तय हो गई है, बस लड़का देखने ही तो आ रहा है और वैसे भी तुझ जैसी लड़की को कौन अपनी बहू बनाएगा, जिसे न घर संभालना आता है न खाना बनाना आता है। ये भी है। जसमीत अपने माँ के कहने पर पहली बार साड़ी पहनकर, बिंदिया लगाकर और चूड़ियां पहनकर तैयार हो जाती है। उधर लड़के वाले भी आ जाते हैं। जैसे ही जसमीत लड़के वालों के सामने जाती है वह साड़ी में फंसकर लड़खड़ा जाती है। अरे बेटी इधर आओ, सबके पैर छूके प्रणाम करो। हमारी बेटी तो बहुत ही संस्कारी है, इसे घर के सारे काम काज आते हैं और खाना खाना तो इतना लाजवाब बनाती है कि पूछो मत। वाह बेटी बहुत बढ़िया, आओ हमारे पास बैठो। कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने? 8वीं तक पढ़ी है जी। हमने तो सुना है कि आपकी बेटी ने 12वीं तक पढ़ाई की है। नहीं जी नहीं नहीं, वो तो गांव वाले ऐसे ही बोलते रहते हैं। वैसे भी लड़की जात पढ़ लिख कर क्या करेगी है? मुझे माफ कीजिएगा, मैं यह शादी नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली पत्नी सिर्फ 8वीं तक पढ़ी हो। भाई साहब जमाना बदल रहा है, आजकल लड़कियां चांद तक पहुंच गई हैं और आप ऐसी पुरानी सोच रखते हैं। अमरप्रीत और गुरविंदर उठकर जाने लगते हैं तभी पीछे से परमजीत जाकर उनको रोक लेती है। एक मिनट रुक जाइए, हमारी बेटी ने 12वीं तक पढ़ाई की है, इसे आगे पढ़ाई करने का बहुत शौक है। इसके इतने पढ़े लिखे होने की वजह से गांव में कोई भी इससे शादी करना नहीं चाहता। हमारे गांव में अभी तक किसी लड़की ने इतनी पढ़ाई नहीं की है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है बहन जी, फिर आपने झूठ क्यों कहा? हमें लगा आप इसके ज्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से यह रिश्ता ठुकरा देंगे।
हमें ये रिश्ता मंजूर है। जसमीत शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। जसमीत जी, आपको ये शादी से कोई एतराज तो नहीं ना? जी नहीं, मेरा सपना पढ़ लिख कर इंस्पेक्टर बनने का है और इस गांव की औरतों को आत्मनिर्भर बनाने का है। पूरे परिवार की रजामंदी से जसमीत और गुरबिंदर की शादी हो जाती है। गुरबिंदर जसमीत को हमेशा पढ़ने में मदद करता था और उसे घर का एक भी काम नहीं करने देता था। एक दिन जसमीत ससुराल में कुछ काम कर रही थी। जसमीत जी, आप ये सब काम छोड़िए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगले हफ्ते आपकी आईपीएस की परीक्षा है। गुरबिंदर जी, धन्यवाद, आपने मुझे शादी के बाद भी पढ़ने का मौका दिया। हमारा मानना है हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए और आप तो समाज के लिए काम करना चाहती है। तभी अमरप्रीत वहाँ आ जाती है। बेटा, हमारी भी एक बेटी थी, वह भी पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन हमने भी समाज के डर से उसकी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसकी कमी तो हम नहीं पूरी कर सकते। हाँ, अगर तुम पढ़ लिख कर इंस्पेक्टर बन जाओगी ना, तो हम लोग को लगेगा कि हमारी बेटी ने हमें माफ कर दिया। मम्मी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों का भरोसा नहीं तोड़ूंगी। जसमीत मन लगाकर पढ़ाई करती है और आईपीएस की परीक्षा दे देती है। कुछ ही दिन में उसकी आईपीएस की परीक्षा का परिणाम आ जाता है और वह आईपीएस की परीक्षा में पास कर लेती है। कुछ दिन में ट्रेनिंग के बाद वह इंस्पेक्टर की वर्दी पहन अपने घर आ जाती है। जसमीत, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरी बेटी मेरे सामने इस वर्दी में खड़ी है। किसी की नजर ना लगे मेरी लाड़ो को। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे पढ़ने से रोका। आज मैं जो भी हूँ, आप सबकी वजह से हूँ। जसमीत अपने पूरे गांव के लिए मिसाल कायम करती है। अपने गांव में छोटी सी बच्ची को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है और उनके माँ बाप को उनकी कम उम्र में शादी ना करने के लिए समझाती है। पूरा गांव से इंस्पेक्टर बहू कहकर बुलाता है। एक दिन इंस्पेक्टर बहू अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी, अचानक उसके गाड़ी के सामने एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है। उस लड़की के हाथ पैर में मिट्टी लगी होती है और कपड़े भी फटे होते हैं। रुक जाइए, गाड़ी रोकिए। ड्राइवर, गाड़ी रोको, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमारे शहर में लड़कियों और बच्चियों की तस्करी होती है। मैं किसी तरह वहां से भाग कर आई हूं, जिसमें हमारे कमिश्नर सर का भी हाथ है। आज रात एक ट्रक कमिश्नर सर की निगरानी में दूसरे शहर जा रहा है, बचा लीजिए हम सबको। इतना बोलते ही वह लड़की बेहोश हो जाती है। जसमीत उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कराती है और रात में लड़की की बताई हुई जगह पर जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगती है। शहर का कमिश्नर लड़कियों से भरे हुए ट्रक को अपनी निगरानी में एक शहर से दूसरे शहर ले जाने की तैयारी कर रहा था। अब आपको कोई नहीं बचा सकता कमिश्नर साहब, इन लड़कियों की तस्करी में आप ही का हाथ है। ये दो कौड़ी की इंस्पेक्टर, अभी मैं तुझे बताता हूँ। जैसे ही कमिश्नर अपनी बंदूक निकालकर जसमीत के ऊपर गोली चलाते हैं, जसमीत नीचे झुक जाती है और चारों तरफ से पुलिस कमिश्नर को घेर लेती है। जसमीत सारी लड़कियों को छुड़वा कर सुरक्षित उनके घर पहुंचा देती है। जसमीत द्वारा लिए गए वीडियो के आधार पर कमिश्नर को आजीवन जेल की सजा दिलाई जाती है।